इसी तरीके से गांधी जी थे। गांधी जी का जब किसी मामले पे विवाद हुआ अंबेडकर से, तो गांधी जी का एक अंदाज था, गांधी जी बात कम करते थे, धरना ज्यादा देते थे, और धरना इतना इतना डराते थे। ये बात अलग है कि आधुनिक भारत में दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री को भी धरना देने की बहुत आदत है। अंबेडकर से किसी मामले पे विवाद हुआ, अंबेडकर के पास गए, अंबेडकर से बोले ये बात तुम गलत कह रहे हो। अंबेडकर ने कहा बात मेरी ठीक है, मैं तथ्यों पे कह रहा हूं। उन्होंने बात के आगे आर्गुमेंट नहीं किया, बोले तुम अपनी बात वापस ले लो, मैं धरने पे बैठ जाऊंगा। अंबेडकर ने कहा किताब पढ़ी, अंबेडकर की किताब है, हमारी किसी की किताब नहीं है। अंबेडकर ने कहा गांधी जी आपका जीवन इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुमूल्य है, मैं नहीं चाहता कि आप अनशन में बैठे, उससे आपकी जान को खतरा हो, लिहाजा इस इंटरेस्ट में मैं अपनी सही बात को भी वापस ले रहा हूं, लेकिन बात मेरी सही थी। गांधी जी ने कहा कामयाब। यही सेम घटना उनकी सुभाष चंद्र बोस के साथ हुई। अब ये वो करेक्टर के लोग थे जो सत्ता पे बैठने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, इनको ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद डीएम से पीएम नहीं बनना था, लेकिन कुछ लोगों को जल्दी थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने भी जब किसी बात विवाद हुआ उनका ये इस्तीफा लीजिए, थैंक यू वेरी मच। और ये घटना जिसके बारे में जिक्र बहुत होता है, पटेल के और नेहरू जी के बीच में चुनाव हुआ और वो 14 वोट का मामला था। बताते हैं कि 14 में से 13 वोट पटेल को मिले और एक साहब ने वोट ही नहीं दिया था। ये उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, 12-11 हो सकते हैं, लेकिन जब वो हार गए तो मैं क्यों ना इसको कनाइवेंस मानूं। तो उन्होंने कहा कि नेहरू की हार तो मेरी हार है। तो जिन लोगों के लिए प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण था, उनको लगता था कि शायद दूसरा भी उसके लिए उतना ही उतावला होगा। पटेल ने एक सेकंड नहीं लगाया कि यह आप ले लीजिए। लेकिन हमें बताया गया कि नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी तो 46 में अपॉइंट हो गए थे प्रधानमंत्री, और उसके बाद लंबे समय तक रहे। तो जब भी इतिहास पढ़ाया जाएगा, नेहरू जी को अपॉइंट किया उन अंग्रेजों ने जिनसे हम लड़ाई लड़ रहे थे। तो अगर यूनाइटेड भारत की बात आप करें कि यूनाइटेड भारत में के 46 में भी भारत बटा नहीं था, तो यूनाइटेड भारत में अगर कोई प्रधानमंत्री बना जो किसी के रहमो करम पे नहीं बना, जिसने अपनी एक फौज खड़ी की और पूरी फौज लेकर के नॉर्थ ईस्ट के इलाके मोयान में आया और पूरा का पूरा मणिपुर से लेकर के सारे इलाके में खड़ा हुआ, उसने अपनी करेंसी भी जारी की, उसने अपना बैंक भी जारी किया और दुनिया के 11 देशों ने उसे मान्यता दी, उस आदमी का नाम था सुभाष चंद्र बोस। तो यूनाइटेड भारत का अगर प्रधानमंत्री कोई बना जिसने अपनी जाति शख्सियत के ऊपर दुनिया के 11 देशों से मान्यता ली, जिसमें यूएसएसआर जैसा मुल्क भी शामिल था, लेकिन मौसूफ जो 46 में बने उन्हें सिर्फ माउंटबेटन का वोट मिला था। और माउंटबेटन का क्यों मिला था इसके बारे में भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उनकी मजबूरी थी, उन्हें अपना घर बचाना था, वो बेचारे घर नहीं बचा पाए प्रधानमंत्री बनाने के बाद। इस घटना का जिक्र मैं इस रेफरेंस में कर रहा हूं कि एक बड़े इस देश के वो लीडर जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, जो सत्ता की दौड़ में शामिल नहीं हुए और एक आंदोलन चलाया इस देश में, उसमें उस आंदोलन का एक हिस्सा यह भी था कि अपने अपने नाम के आगे से सरनेम हमें हटा देना चाहिए। यह बात अलग थी कि उस समय सरकार में इख्तदार में मेजॉरिटी में दिल्ली की गद्दी पे कांग्रेस के लोग थे। उस आदमी ने बिहार से उठा और पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा कर दिया, उनका नाम है जेपी जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण की जब मृत्यु हो गई तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि जेपी को पार्लियामेंट में
श्रद्धांजलि देनी चाहिए। तो सारे कांग्रेसी खड़े हो गए और मुझे दुख इस बात का है कि जिन लोगों ने यह मांग उठाई उसमें ऐसे लोग भी थे जो आज भी जीवित हैं, जो पहले दिन से 52 से लेके अब तक लगातार पार्लियामेंट में जा रहे हैं। पिछली बार उन्हें टिकट नहीं दिया इसलिए नहीं गए, नहीं वो अभी भी चले जाते हैं, 92 साल के हैं। ऐसे बहुत सारे लोग थे उस वक्त, उसमें अटल जी भी जीवित थे और भी लोग सारे थे। कम से कम ये घटना उन लोगों को क्यों नहीं पता थी, और नहीं पता थी तो जिम्मेदार कौन है, और आपने उस पर टोका क्यों नहीं? मैं तो आज उसका रेफरेंस भी देना चाहता हूं, उस घटना को बताना भी चाहता हूं कि इस मुल्क में जेपी जैसे आदमी को अगर श्रद्धांजलि दे दी जाती तो पार्लियामेंट में क्या ऐसा होने वाला था। तो श्रद्धांजलि तो हमारे देश में बापू को भी दी जाती, वो भी एमपी नहीं थे। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि बापू से बड़ा कोई है ही नहीं है इस दुनिया में। एक किस्सा बताना चाहता हूं मैं आपको, उस किस्से के रेफरेंस में मत जाइएगा, उस पर जरूर हंस सकते हैं आप लोग, उस पर मत जाइएगा क्योंकि वो मेरा मकसद नहीं है। माउंटबेटन साहब की पत्नी का नाम था एडविना माउंटबेटन, शी फॉल इन लव विद नेहरू जी। ये ओपन बात है, ये मैं नहीं कह रहा, मैं बताऊंगा आपको किसने कहा है, मैं नहीं कह रहा ये बात। और नेहरू जी बड़े दिल के आदमी थे, ऐसी तमाम बातों को प्रॉपर रिपोर्ट करते थे, कभी उन्होंने इसका गलत मतलब नहीं निकाला। 1960 में एडविना माउंटबेटन की डेथ मलेशिया के एक आइलैंड पे हो गई। यू कैन नॉट बिलीव इट, एडविना माउंटबेटन को भारत की पार्लियामेंट के अंदर श्रद्धांजलि दी गई। ये किताब है, इस किताब के राइटर हैं कुंवर नटवर सिंह, जो जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की किचन कैबिनेट के खास आदमी थे। इस किताब का नाम है वन लाइफ इज नॉट एनफ। इसके पेज नंबर 42 के ऊपर यह घटना लिखी हुई है जो मैंने आपको हिंदी में बताई है। अब नटवर सिंह तो आरएसएस के कभी आदमी नहीं थे, न विश्वहिंदु परिषद के थे, तो उन्होंने नेहरू जी की शान में यह गलत बात लिख दी। वो खुद लिख रहे कि यह इतना अनप्रेसिडेंटेड था कि सब लोग चौंकने रहे। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि जो घटना 1960 में थी, उस 1960 की घटना के बहुत सारे लोग पार्लियामेंट में बैठे थे, वो क्यों चुप रहे? मालूम नहीं था या कोई और बात थी? इस तरह से बहुत सारी ऐसी घटना है, लेकिन मैं उसका रेफरेंस सिर्फ इसलिए देना चाहता हूं ताकि इस देश को यह पता चले कि जिन लोगों ने उनके साथ जीवन बिताया है, कुंवर नटवर सिंह आज भी जीवित हैं, ठीक ठाक हैं, मिल सकते हैं आप, ये पूछ सकते हैं कि ये किताब कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके नाम से किसी ने छपवा दी हो, ऐसा भी नहीं। 1968 में इस देश के युवा और आधुनिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी की शादी हुई, मेरा उससे कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है, वो उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी, उस वक्त ये परंपरा थी कि प्रधानमंत्री के परिवार में 200-200 साल पुराना भी कोई अगर आदमी जीवित है तो वो प्रधानमंत्री के साथ जाता था। तो राजीव गांधी और सोनिया गांधी 69 में श्रीमती इंदिरा गांधी काबुल गई, और काबुल में आप सब जानते हैं कि बादशाह खान बड़े लीडर थे, उन सबसे मिली। और शाम को उन्होंने नटवर सिंह से कहा कि राइड पे चलते हैं, तो जो प्रोटोकॉल होता है प्रधानमंत्री का पूरा उनके साथ था। तो काबुल से कुछ 10-12 मील गाड़ी में वो गए। अब आप इस पूरी घटना को ये भी कह सकते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस हो सकती है, लेकिन मैं इसको स्पॉन्टेनियस नहीं मानता। पूरा प्रोटोकॉल तोड़ करके जो उनके आइटनरी में नहीं था,
आप नेटवर्क सिंह को लेके गई, उसमें अफगानिस्तान की तमाम सिक्योरिटी शामिल थी। और रास्ते में जब काफी आगे निकल गई तो एक बहुत खंडर सा जगह पड़ती है, बिल्कुल खंडर सा था, कुछ उस पर 8-10 पेड़ लगे हुए थे। तो उन्होंने पूछा अपने प्रोटोकॉल अफसर से कि ये क्या है, तो उसने कहा साहब ये बागे बाबर है, बाग ए बाबर। उन्होंने गाड़ी रुकवाई और वहां गई वो, और फिर उसके बाद उस बाबर की मजार पर 10 मिनट तक सर झुका के खड़ी रही और नटवर सिंह उनके पीछे खड़े थे और उनके दोनों बच्चे भी वहीं थे। मैं कोई किसी को निजी टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं पूछ सकता हूं कि बाबर से जो अपने मुल्क में जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, अगर बाबर उनका हीरो होता तो उसका मकबरा बहुत अच्छा बना होता, वो तो टूटा फूटा सा था। बाबर से कौन से ऐसा इतिहास जान रही थी वो कि 15 मिनट तक सर झुकाए, उसमें लिखा हुआ है वर्ड सर झुका करके 15 मिनट तक खड़ी रही, किस बात की श्रद्धांजलि दे रही थी और किसको दे रही थी। ये बात पेज नंबर 144 पे नटवर सिंह ने जिक्र किया है क्योंकि वो खुद मौजूद थे वहां। अब हम आज बाबर की बनाई हुई राम मंदिर के ऊपर बहस कर रहे हैं, जिस बाबर को खराज अकीदत पेश कर दी गई हो। नटवर सिंह ने उनसे पूछा कि आप क्या, किस लिए आप आई हैं, तो उन्होंने कहा मैं इतिहास को याद कर रही हूं। अब जिनका इतिहास याद करने का बाबर से शुरू होता है, तो इस देश की दुर्दशा जो आज है वो होनी चाहिए थी।